डर किस बात का है? अगर कोई कर नहीं तो फिर डर नहीं, लेकिन अगर किया है तो जांच में सहयोग तो आपको करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करेंगे, इसीलिए तो अपनी गाड़ी में बैठकर ईडी दफ्तर के लिए निकल गए और हाथ दिखाते हुए जोश में कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। जो भी जांच एजेंसियां जो सवाल पूछेंगी उसका जवाब देंगे और हम न्यायपालिका मानते हैं। बीजेपी अभी तर्क दे रही थी कि शिवसेना न्यायपालिका नहीं मानती, हम पूरी तरह से न्याय पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ईडी ही आपका न्याय है वही अंतिम है, न सुप्रीम कोर्ट आप जानना चाहते हैं न हाई कोर्ट जानना चाहते हैं, तब कैसे कोई आप पर भरोसा करेगा? जब न्याय प्रक्रिया होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा राम कदम जी, और हमारा ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास देश की जनता देख रही है कि हम अपराधी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के दीपक केसरकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं, सीधे उनका रुख करते हुए दीपक केसरकर जी, जो आरोप शिवसेना उद्धव गुट की ओर से लगाया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी में चले जाइए उनके साथ सरकार बना लीजिए तो सभी पाक साफ हो जाते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसे बड़े सारे विधायक हैं और अगर विरोध में आवाज खड़े कीजिए तो फिर उसको पकड़कर लेकर जाया जाता है ईडी दफ्तर। बिल्कुल झूठ चीज है। एक तो है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन होगा हुआ और ये जो एपिसोड है संजय जी राउत का, इसका एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये जबरदस्ती रिश्ता बनाया जा रहा है जहाँ से हम लोग निकले हैं वहाँ से, और ये बिल्कुल सच नहीं है कि कल ये ऐसे भी बोला जा रहा था महाराष्ट्र में कि कल शिंदे जी गए थे दिल्ली में, उनकी अमित शाह जी से बात हो गई थी, बाद में ये एक्शन हुआ, बिल्कुल गलत है। हमारी कैबिनेट के एक्सपेंशन के बारे में डायलॉग चल रहा है बीजेपी और शिवसेना में, तो उसके सिलसिले में वो गए थे और आने के बाद उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एजेंसी जांच कर रही है और एजेंसी को कुछ अगर प्रूफ मिले तो ही वो एक्शन लेती है, और अगर प्रूफ मिले तो वो कोर्ट के सामने दिखाने पड़ते हैं तभी उनको कस्टडी मिलती है। तो इसके बारे में या तो हम लोगों के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैलाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो ही उनपे कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके साथ मिलकर घोटाला किया है और जांच अगर ठीक से हो जाए तो उद्धव ठाकरे तक पहुंच जाएगी आज इस पूरे मामले की। ये हास्यास्पद है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। संजय राउत जी के पास 3 प्रॉपर्टी है, एक विक्रोली में उनका संयुक्त परिवार रहता है, एक अलीबाग में उनकी छोटी सी जमीन है और एक दादर में उनका घर है, उसको अप्रैल में ईडी ने जब्त कर लिया। अब आज हैरानी की बात देखिए चित्रा जी, कि जो घर 4-5 महीने से ईडी ने जब्त किया हो उसमें भी इंक्वायरी हो रही है, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं, उसमें भी देखा जा रहा है कि यहाँ सर्च क्या किया जाए। हैरानी होती है भाई, जो प्रॉपर्टी पहले से आपके पास है आपने सीज किया हुआ है आप उसमें भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई ताला तोड़ के तो नहीं घुस गया। ये सब चीज ऐसा दर्शाता है कि संजय राउत जी एक सांसद और एक पत्रकार हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, विरोधक हैं, विपक्ष में हैं, इस समय एक चेहरा है विपक्ष का, तो बीजेपी को अच्छा नहीं लगता। बीजेपी कहती है जो भी विरोधक देश में है, विरोधी है, उन्हें समाप्त करो, उन्हें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पुलिस जो जैसा मिले बल जबरी उसे खत्म करो। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का कितना प्रयास कर रहे हैं आप देखिए, हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, और वो जानते हैं ऐसी भाषा जब लोग बोलते हैं कि ये मामला उद्धव जी तक जाएगा, शिवसेना तक जाएगा, कई लोग पकड़े जाएंगे, ये बदनामी करने का एक माहौल बनाते हैं ताकि लोग डर जाएं, जो हमारे साथ आना भी चाहते हो वो भाग जाएं। अरे भाई, जो ईडी के इंक्वायरी झेल रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सब तो आपके पास वॉशिंग मशीन में बैठे हुए हैं, उनको आप नहला धोला के अच्छा बना देते हैं, लेकिन आप उन पर क्यों कार्रवाई करते हैं जो आपके विरोधक? अरे भाई, विपक्ष भी तो चाहिए चित्रा जी, क्या इस देश को विपक्ष नहीं चाहिए? क्या संविधान में विपक्ष नहीं चाहिए? घोटाला किया होगा उसके खिलाफ जांच होगी कि नहीं? अरे घोटाला जिसने किया उसमें बैठा रहेगा, इस वजह से उसके पास मत जाए ईडी, क्योंकि वो विपक्ष में है। नहीं, घोटाला जिसने किया है खड़े करने लगेंगे, घोटाला जिसने किया है उसको पकड़ लो, उसको जेल में डाल दो, लेकिन जिसने घोटाला नहीं किया, जिसने सिर्फ आपको एहसास दिलाया कि आपकी नीति अच्छी नहीं है, आपकी सरकार सही काम नहीं कर रही है, उसको भी अगर पकड़ के ये कह के कि आप घोटालेबाज हो, ये कैसा देश है भाई? ठीक है।